सो हेलो एवरीवन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाई सबस्ट्रेट रिएक्शंस के बारे में बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है बाई मतलब दो दो सबस्ट्रेट यहाँ पर होंगे तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एंजाइम तो क्या है एक ही है लेकिन सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास दो हैं सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास दो हैं सो so, पहले हम देख रहे थे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पे आपने एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अब जो नया हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी कि सबस्ट्रेट जहाँ पे आप एस लिख रहे थे वहाँ पे आप लिखोगे एस वन और एस टू यानी कि दो सबस्ट्रेट यहाँ पे है तो दो ही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे क्योंकि दो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर रहे हैं टाइप्स की अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियल हमारे पास सिक्वेंशियल बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है और पिंक पोंग सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है सिक्वेंशियल जो है यहाँ पर सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन है पिंक पोंग जो होती है वो डबल सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे सिंगल का मतलब है कि सो so फर्दर अगर हम देखें कि जो सिक्वेंशियल बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है वो फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में ऑर्डर्ड सिक्वेंशियल रिएक्शन और रैंडम सिक्वेंशियल रिएक्शन सो सिक्वेंशियल रिएक्शन यहाँ पे जो आपके सब्स्ट्रेट्स होंगे दे मस्ट बाइंड टू द एक्टिव साइड बिफोर द एन्जाइम कैन कन्वर्ट दैम इन टू द प्रोडक्ट्स तो सबस्ट्रेट को जो है बाइंड होना पड़ेगा एक्टिव साइड पर इससे पहले कि प्रोडक्ट बने सो so, सबसे पहली है ऑर्डर्ड सिक्वेंशियल रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि ऑर्डर में चीज़ें हो रही होंगी कि पहले सबस्ट्रेट वन बाइंड करेगा सबस्ट्रेट टू बाइंड करेगा फिर प्रोडक्ट वन निकलेगा फिर प्रोडक्ट टू निकलेगा सो so, एग्ज़ाम्पल लेते हैं लैक्टेट डीहाइड्रोजीनेस लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस क्या करता है पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है तो ये एनजाइम की क्या है हमारे पास एल डी एच एनजाइम की एक्टिव साइट है एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे कि सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होता है तो ये हमारे पास में है एन पहले बाइंड किया विच इज़ एस ठीक है एक्टिव साइड पर बाइंड किया फिर आपका आया एस टू सबस्ट्रेट टू आया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एन जो है विच इज़ एक्टिंग एज अ को एनजाइम तो वो बाइंड करेगा एक्टिव साइड पे पहले उसके बाद पायरूवेट आएगा पायरूवेट बाइंड करेगा नेक्स्ट हमारा जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एक्टिव साइड पे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या बन गया ये टर्नरी टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया दिस इज़ नोन एज टर्नरी कॉम्प्लेक्स तीन चीज़ें यहाँ पर एक तो एनजाइम है एन ए डी एच है और पायरुवेट है सो so, यहाँ पर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया अब एक बार ही आपका टर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो हमारा कैटेलिस बिगिन हो जाता है शुरू हो जाता है तो सबसे पहले क्या हुआ एन ए डी एच बाइंड हुआ विच इज़ अ को एनजाइम बाइंड हुआ उसके बाद पायरुवेट बाइंड हुआ जब एक्टिव साइड पर एंड आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया टर्नरी स्ट्रक्चर बन गया एंड वंस द टर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स द केटेलिसिस बिगेन्स तो अब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो पाइरूवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपका जो प्रोडक्ट वन है दैट इज़ लैक्टेट वो रिलीज़ हो जाएगा फिर आपका जो एन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एन के अंदर और वो रिलीज़ हो जाएगा तो इसका नाम हमने सीक्वेंशल क्यों रखा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सीक्वेंस में हो रही हैं पहले S1 वन माइंड हुआ फिर S2 टू बाइंड हुआ एक्टिव साइट पे ठीक है पहले S1 वन माइंड हुआ फिर S2 टू बाइंड हुआ पहले S फिर यहाँ पर प्रोडक्ट वन रिलीज़ हुआ फिर प्रोडक्ट टू रिलीज़ होएगा बारी बारी से सीक्वेंस में चीज़ें हो रही हैं सो इन दीज रिएक्शन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में और प्रोडक्ट्स भी जो रिलीज हो रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिलीज़ हो रहे हैं सेकेंड है रैंडम सीक्वेंशियल रिएक्शन रैंडम रैंडमली होगी यहाँ पे चीज़ें कोई सीक्वेंस नहीं है किसी की परवाह नहीं है कोई भी आ रहा है बाइंड हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सो so यहाँ पे ऑर्डर जो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग का एज वेल एज जो रिलीज़ है प्रोडक्ट का वो मैटर नहीं करता सीक्वेंस में मैटर नहीं करता रैंडमली हो रहा है एग्जाम्पल से समझते हैं क्रियाटीन काइनेस क्रियाटीन काइनेस क्या करता है क्रियाटीन काइनेस क्या करता है जो आपका क्रियाटीन होता है उसको क्रियाटीन फोस्फेट में कन्वर्ट करता है और ए जो है वो आपकी ए में चेंज हो जाती है सो so यहाँ पे देखिए कि आपका जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी वहाँ पे या तो ए पहले बाइंड हो जाएगा या क्रियाटीन कोई भी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है जिससे रैंडम इसका नाम ही है यानी कि सो इधर ए टी पी और क्रियाटिन कैन एंटर द एक्टिव साइट फर्स्ट कोई भी पहले आ सकता है रैंडमली या तो क्रियाटिन आ जाएगा या ए टी पी आ जाएगा सो so, क्रियाटिन आ गया ए टी पी आ गया एक्टिव साइट में एक बारी दोनों आ चुके हैं तो अब क्या बन चुका है टर्नरी स्ट्रक्चर बन चुका है तीन चीज़ें हो चुकी हैं एक एनजाइम है और दो हमारे पास सबस्ट्रेट है सो दिस इज़ नोन एज द टर्नरी स्ट्रक्चर जब टर्नरी स्ट्रक्चर एक बारी बन जाता है तो आपकी केटालिसिस शुरू हो जाती है तो अब ये जो ए था वो किस में ए में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रियाटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा क्रियाटीन फोस्फेट के अंदर अब प्रोडक्ट्स बन चुके हैं अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रिलीज़ होंगे रैंडमली या तो ए बाहर चला जाएगा पहले या क्रियाटीन फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा देरफोर इसलिए इसको हम रैंडम सिक्वेंशल रिएक्शन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ रैंडमली कुछ भी हो रहा है रैंडमली कोई भी आ रहा है कोई भी सब्सटेट पहले आ रहा है रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है सो पिंग पोंग में क्या होता है ऐसे रिएक्शंस में आप यहाँ पे कोई टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है सो so, एक यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं ये देखिए ये हमारे पास एंजाइम था दो सबस्ट्रेट्स है सबस्ट्रेट वन और सबस्ट्रेट टू पहले क्या हुआ सबस्ट्रेट वन आया सबस्ट्रेट वन बाइंड हुआ सबस्ट्रेट वन बाइंड, बाइंड होकर फिर प्रोडक्ट वन आपका रिलीज हो गया यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट वन की बाइंडिंग हुई एंजाइम सबस्ट्रेट वन कॉम्प्लेक्स बना और फिर आपका प्रोडक्ट जो है रिलीज़ हो गया उसके बाद S2 आया सबस्ट्रेट टू आया वो बाइंड हुआ और फिर प्रोडक्ट टू रिलीज़ हुआ तो यहाँ पे सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द सेम एंजाइम, तो पहले जो हम पढ़ रहे थे सिक्वेंशल में टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा था यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट वन और सबस्ट्रेट टू और एंजाइम मिलकर के क्या बना रहे थे टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना रहे थे लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले एक सबस्ट्रेट आया वो बाइंड हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद एक फर्स्ट प्रोडक्ट बना और वो रिलीज़ हुआ फिर नेक्स्ट सेकेंड वाला हमारा सबस्ट्रेट आया वो एंजाइम से बाइंड हुआ एक्टिव साइड से बाइंड हुआ फॉर्मिंग द सेकेंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और फिर कन्वर्जन हुआ और वो ट्रांसफॉर्म हुआ सेकेंड प्रोडक्ट के अंदर और फिर सेकेंड प्रोडक्ट रिलीज़ हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा पहले और वो प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा रिलीज़ होगा फिर दूसरा सबस्ट्रेट आएगा फिर दूसरा प्रोडक्ट रिलीज़ होगा सो विदाउट द टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है एस्पार्टेड अमाइनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेड अमाइनो ट्रांसफरेज क्या करता है ये एंजाइम पिंग पोंग रिएक्शन फॉलो करता है अब ये हमारे पास एंजाइम है सबसे पहले एस्पार्टेट बाइंड हुआ सबसे पहले क्या हुआ एस्पार्टेट बाइंड हुआ देखो रिएक्शन क्या है एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट विल गिव यू ग्लूटेमेट प्लस ऑगजैलो एसिटिक एसिड एसेट। सो यहाँ पे देखिए कि एस्पार्टेट बाइंड हुआ एंजाइम से विच इज़ आर सबस्ट्रेट नंबर वन आपका प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा ऑग्जैलो प्रोडक्ट रिलीज हुआ क्या ओग्जैलो एसिटेट एंड यहाँ पर एंजाइम के पास में एन थ्री जो है अमीनो ग्रुप जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है अब एंजाइम के पास क्या है अमीनो ग्रुप है ठीक है अमीनो ग्रुप है अब हमारे पास में जो अमीनो ग्रुप एंजाइम के साथ में अटैच्ड है अभी एंजाइम के पास क्या है अमीनो ग्रुप आ चुका है उसके एक्टिव साइड पर फिर अब हमारा सेकेंड सब्स्ट्रेट विच इज़ अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट वो बाइंड करेगा वो बाइंड करेगा और फिर हमारा सेकेंड प्रोडक्ट विच इज़ ग्लूटामेट वो रिलीज होगा तो पिंग पोंग में आपको समझ आया कि पहले एक सबस्ट्रेट आया एक प्रोडक्ट निकला फिर दूसरा सब्स्ट्रेट आया फिर दूसरा प्रोडक्ट निकला लेकिन सिक्वेंशल में आप देख रहे थे कि दोनों सबस्ट्रेट्स आते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे देखिए टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा था दोनों सबस्ट्रेट्स बाइंड होते हैं और फिर दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं तो यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन था लेकिन पिंग पॉन्ग में टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक एंड हैव अ ग्रेट डे